हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में बात करेंगे 10 से 20 वर्ड ट्रायंगल चैप्टर के बारे में। यह आपका 6.6 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो देखो यहाँ पर ये रखा इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एबीसी कितना दे रखा, 90 डिग्री दे रखा, ग्रेटर देन 90 दे रखा है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और एडी परपेंडिकुलर टू सीबी प्रोड्यूस टू प्रूव दैट एसी का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम डायग्राम बनाएंगे तब एग्जैक्ट समझ पाएंगे इसके बारे में क्या बोल रखा है। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये क्या है ए बी सी है, और बी की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 90। ए बी सी क्या है, ग्रेटर देन 90 है। यहाँ पर कंडीशन आपको दे रखी है ग्रेटर देन 90 होना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो एडी है, एडी परपेंडिकुलर टू सी बी प्रोड्यू, मतलब इसको हम आगे पीछे की तरह बढ़ाएंगे, और ये जो एडी है वो क्या है, परपेंडिकुलर दिस वन है, ठीक है। ये हमने दे रखा है, देखो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। प्रूव दैट AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस तुम्हारा BC का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल, देखो हम बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ADC में, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ADC एंगल D कितना है, 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि देखो AD परपेंडिकुलर टू BC दे रखा है, ठीक है। तो ये D क्या होगा, 90। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, AD का स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस DC का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, क्या लिखेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ये लिख लिया। अब हम क्या काम करेंगे, AC का स्क्वायर AD का स्क्वायर, तो हम वैसे देखो AD का स्क्वायर तो ऐसे ही रखा है। अब यहां पर देखो DC का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, DB प्लस BC है कि नहीं स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो DC को क्या लिख सकते हैं, DB प्लस BC लिख सकते हैं। तो देखो अब इसको एक्सपेंड करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ DB इंटू BC। इतनी बात समझ में आ रही है, DB इंटू BC। तो आइडेंटिटी यूज कौन सी आइडेंटिटी, A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A इंटू B, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, AD का स्क्वायर और DB का स्क्वायर क्या देगा, AB का स्क्वायर देगा। देखो यहां पर AC का स्क्वायर, अब यहां पर देखो AD का स्क्वायर, यहां पर देखो AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, देखो या BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर BD का स्क्वायर क्या देगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर देगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, देखो इन ट्रायंगल ADB में हम क्या लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर DB का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर DB का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर से BC इंटू BD, क्लियर है। अब ये कहां से हमने लिखा, देखो ये कहां से लिखा हमने, तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल यहां पर साइड में लिख दो, इन ट्रायंगल ADB क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, DB का स्क्वायर, क्लियर है। AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, हमने क्या लिखा, AB का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहीं तो हमें प्रूव करना था, देखो AC का स्क्वायर आ गया, AB का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, आप देखो AB का स्क्वायर भी आ गया, BC का स्क्वायर आ गया प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD, हिंस प्रूफ हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में, ये प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे प्रूफ करना, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो यह हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट। दे रखा इन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच, अब यहां पर देखो इस वाले ट्रायंगल में हमें दे रखा है एंगल ABC लेस देन 90 डिग्री दे रखा है, मतलब एक्यूट एंगल के बारे में बात किया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात, और AD परपेंडिकुलर टू BC बोल रखा है। देन प्रूव करना है AC का स्क्वायर AB का इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस, ये माइनस साइन है स्टूडेंट, 2BC इंटू BD। तो देखो यहां पर डायग्राम हम बना के देखते हैं स्टूडेंट, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है, ठीक है, ए
बी सी, ठीक है, और ये बी कितना है, लेस देन 90 दे रखा है, ए बी सी लेस देन क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है स्टूडेंट, क्लियर है। और हमें प्रूव करना है एडी परपेंडिकुलर टू, देखो एडी परपेंडिकुलर टू बी सी दे रखा है, एडी परपेंडिकुलर टू बी सी दे रखा है, हमें प्रूव करना है। देखो हमें क्या जरूरत है, ए सी का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हैं, देखो ए सी का स्क्वायर चाहिए, मतलब ए डी सी में हम क्या करेंगे, राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी एंगल डी कितना है, 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है स्टूडेंट, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इसमें। तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, इतनी बात समझ में, क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो डी सी नहीं है, हमें क्या है, बी सी है और ए बी है, तो देखो हमें क्या करना होगा, देखो ए बी लाने के लिए, ए बी लाने के लिए हमें बी डी भी चाहिए साइड, देखो ए बी, देखो ए डी तो है हमारे पास, देखो ए डी भी है, बी डी चाहिए हमें, बी डी चाहिए तभी तो हमारा ए बी आ पाएगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तब जाके ए बी आएगा, क्योंकि ए बी हमारे पास दे रखा है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, बट यहाँ पर डी सी नहीं दे रखा है, और डी सी को हमें चेंज करना होगा स्टूडेंट। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं, देखो बी सी, बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी प्लस डी सी, हमें डी सी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो प्रूफ दे रखा है इसमें करने को, इसमें डी सी की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्यों रखें स्टूडेंट, इसको हम इधर लेके आओ, तो बी सी माइनस बी डी इक्वल टू क्या हो गया, डी सी हो गया, तब इस डी सी की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। तो देखो यहां पर ए सी का स्क्वायर, अब यहां पर देखो स्टूडेंट ए डी का स्क्वायर, डी सी की जगह पर क्या पुट करेंगे, बी सी, बी सी में से बी डी माइनस किया, बी डी का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन वन, फ्रॉम यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहां पर देखो इसको एक्सपेंड करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यहां पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए डी का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी, क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो अब यहां पर देखो क्या क्या आ चुका है, देखो ए सी का स्क्वायर तो है ही, ए बी का स्क्वायर नहीं आया, अब देखो अब यहां पर देखो बी सी आ चुका है इंटू बी डी आ गया है, तो हमें क्या काम कर, देखो बी सी का स्क्वायर भी है तो हमें ये और ये रिमूव करना होगा, तो देखो इसको साथ में लिख लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हमें बी सी का स्क्वायर आ चुका है, तो हमें क्या करना होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी, क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, अब देखो ए डी प्लस बी डी, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो देखो इन ट्राइंगल, देखो यहां पर साइड वर्क में कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB क्या होगा, AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और ADB में एंगल D कितना था, 90 डिग्री, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया, इसको इक्वेशन टू नाम दे दो, इसको पहले ही कर लेना चाहिए, वैसे मैं पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जब जरूरत पड़ी तभी हमने सॉल्व किया, इससे क्या होगा, इससे आपको एटलीस्ट पता तो चला कि यहाँ पर कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है, इसको आप पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या होगा, देखो एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है, क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू, क्लियर है। देखो तो ए सी का स्क्वायर फाइनली, देखो इसके बाद हम ये कर रहे हैं, ए सी का स्क्वायर ये और ये सब कहाँ करेंगे, पहले ही कर देंगे, इससे पहले भी पहले ही करके रखेंगे, ठीक है, या एक काम करेंगे ब्रैकेट में कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ये आ गया आपका, यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट। और इसका रीजन क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, क्यों, क्योंकि हमने ए बी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर कहां से लाया है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमने रिप्लेस किया है, क्लियर है स्टूडेंट, यही तो हमें प्रूव करना है, हिंस प्रूव्ड हो गया, हिंस प्रूव्ड, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, यही तो देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। चलो स्टूडेंट हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये रखा इन ट्राइंगल इन फिगर AD इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड AM परपेंडिकुलर टू BC दे रखा है, प्रूव करना है। ये देखो तीन जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है, तो पहले देखो स्टूडेंट डायग्राम बना के देखते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, तो एक ट्राइंगल हमारे पास है ABC है, सपोज करो हमने एक ट्राइंगल कंसिडर किया ABC, ठीक है, आई बस समझ में। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, जो ABC लेस देन 90 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो हमने ऐसे ही एज्यूम करके बना लिया स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर जो दे रखा है AD जो है वो मीडियन का काम कर रहा है स्टूडेंट, और AM परपेंडिकुलर टू BC है, तो AM परपेंडिकुलर टू BC बना लिया, AM परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। और AD जो काम कर रहा है वो मीडियन का काम कर रहा है, सपोज करो ये AD है, ठीक है, AD जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। मीडियन का मतलब होता है कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवेन है उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट, गिवेन में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC इन विच AM परपेंडिकुलर टू BC है एंड AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, BD इक्वल टू DC, ये क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको नाम लिख लेते हैं इक्वेशन वन, क्यों आगे चल के यूज होने वाला है। देखो AD क्या है, मीडियन है, मतलब BD इक्वल टू DC, हाफ ऑफ BC होगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलो पहला रिलेशन हम प्रूव करके देखते हैं स्टूडेंट, पहला रिलेशन हमें क्या प्रूव करना है, AC का स्क्वायर, इसका मतलब हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, AMC में, ठीक है, क्योंकि देखो ADC नहीं करेंगे, क्यों, ADC अगर हम करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल तो मिल ही नहीं रहा, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, देखो AMC के बारे में हमें बात करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल AMC में, तभी तो जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी होगा तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखो यहां पर इन ट्रायंगल AMC, तो एंगल M कितना है स्टूडेंट, M इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, AM परपेंडिकुलर टू BC, इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये गिवन है। तो अब यहां पर देखो इस वाले ट्रायंगल में AMC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, तो देखो AMC में तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पूरा आप कंप्लीट लिखिएगा स्टूडेंट, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहां पर ध्यान दो, बट हमें देखो यहां पर क्या चाहिए, AM नहीं चाहिए, MC भी नहीं चाहिए, है कि नहीं, MC भी नहीं चाहिए, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, MC को क्या लिख सकते हैं, MD प्लस DC, ठीक है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या, AM का स्क्वायर प्लस MC को हम क्या लिख सकते हैं, MC को क्या लिख सकते हैं, MD प्लस DC का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। यहां पर देखो डायग्राम से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, तो MC को क्या लिखा, MD प्लस DC, ठीक है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर, अब यहां पर देखो MD का स्क्वायर प्लस MD प्लस DC का स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, MD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ MD इंटू DC, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हम आइडेंटिटी यहां पर यूज कर लिए, क्लियर है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर AC का स्क्वायर, अब यहां पर देखो AM प्लस MD का स्क्वायर, देखो AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर क्या देगा, AD का स्क्वायर देगा, क्यों, क्योंकि AMD जो है हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, तो यहां पर देखो AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर लिखा जा सकता है स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो DC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने बताया था, देखो BD और DC क्या है, क्योंकि AD क्या था, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल था, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, तो मतलब BD और DC क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC, मतलब देखो हमने पहले इक्वेशन मान लिया, देखो BD और DC को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, तो DC की जगह पर क्या, देखो इसकी जगह पर तो हमने ये रिप्लेस कर लिया, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट, और DC की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हाफ ऑफ BC का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। फिर 2MD और DC की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, BC का हाफ यूज कर सकते हैं, देखो क्लियर है, इतनी बात समझ में आई,
तक टू से टू गया, और इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। और ये कहां से लिख दिया, ये कहां से लिखा, इन ट्रायंगल ए एम डी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए एम डी में हमने ए डी का स्क्वायर क्या लिखा, ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी, ये भी लिख सकते हो साइड में रीजन। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, फिर क्या है, अब देखो बी सी प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस, देखो टू टू कट गया, एम डी या डी एम बात वही होगी, और बी सी इंटू एम डी लिखो या डी एम लिखो बात वही होगी, डी एम। तो यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट, देखो ध्यान से, यही प्रूव करना था हमें, क्योंकि देखो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर आ गया, ए डी का स्क्वायर, ठीक है, फिर बी सी बाई टू का स्क्वायर, हमने इसको बाद में लिखो या इसको पहले लिखो, बात तो वही है, तो सिस्टमेटिक में ऐसे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख दो इसके बाद लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बी सी का और बी सी इंटू डी एम आ गया स्टूडेंट, इन प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब देखो हम सेकंड वाला भी प्रूफ करके देख लेते हैं, अब क्या करना, ए बी का स्क्वायर। अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी एम के बारे में हमें बात करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि यहां पर ए बी का स्क्वायर पूछ रखा है। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर के लिए क्या लेना पड़ेगा, ए एम बी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पर, तो सेकंड प्रूफ करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम बी, ए एम बी, एम कितना है 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी था। क्लियर है, अब यहां पर देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ए बी का स्क्वायर, अब मान लो देखो एंगल एम को ये भी लिख सकते हैं, ए एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके लिए हम क्या लिखें, ए एम सी 90 डिग्री। क्लियर है, तो यहां पर देखो पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए, क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या काम कर लेंगे स्टूडेंट, अब यहां पर देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें देखो ना ही बी एम चाहिए ना ही ए एम चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना, देखो बीएम नहीं चाहिए, तो बीएम को हम क्या लिख सकते हैं, बीडी में से एमडी माइनस कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, और बीएम को क्या लिख सकते हैं, बीएम को ध्यान दो, अब यहां पर देखो बीडी इक्वल टू कितना होगा, बीडी, बीडी, बीडी क्या लिख सकते हैं, बीएम प्लस एमडी लिख सकते हैं। देखो BD इक्वल टू क्या होगा, BM प्लस MD, और हमें किसकी जरूरत है, BM की जरूरत है, तो BM की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से BD माइनस MD, इतनी बात समझ में आ रही, BM हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, ये साइड वर्क में कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो डायग्राम से ही एग्जैक्ट सामने सामने समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो MD देखो BM की वैल्यू कितनी होगी, BD माइनस MD का स्क्वायर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस, ये आइडेंटिटी यूज करो, तो बी डी का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी इंटू एम डी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, ए बी का स्क्वायर, अब देखो यहां पर ए एम का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, देखो ए एम का स्क्वायर और बी डी का, एम डी का स्क्वायर क्या देगा, ए डी का स्क्वायर, ये प्रीवियस वाले में यूज किया था, कैसे देखो, अब मैं यहां पर कर देता हूं, क्या है ये देखो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एम डी, ए एम डी, तो ये देखो 90 डिग्री है, आपको पता है ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी था, तो हम कह सकते हैं ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर, एम डी का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, क्यों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर, इतनी बात समझ, तो ए एम प्लस एम डी का स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी एम डी के स्क्वायर, यहां पर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको एक साथ लिख लेते हैं स्टूडेंट, ए एम का स्क्वायर प्लस इसको यहां पर लिखो, क्योंकि एम डी का स्क्वायर है ना, एम डी का स्क्वायर और ए एम का स्क्वायर, तो एम डी का स्क्वायर, एम डी का स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी या डी बी लिखो, बात वही है, टू बी डी इंटू एम डी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू जो होगा ए एम का स्क्वायर, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, ए एम का स्क्वायर और एम डी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं, कैसे, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, तो यहां पर लिख सकते हैं, तो देखो ए एम और एम डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो डी बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डी बी की जगह पर, तो डी बी की जगह पर देखो बी डी लिखो या डी बी लिखो, बात तो वही है। ठीक है, और क्योंकि
जो एडी है वो मीडियन ऑफ द ट्रायंगल है, तो मतलब ये क्या है, बीडी और डीसी, हाफ ऑफ बीसी होगा। फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने ये रिप्लेस किया, तो बीडी की जगह पर देखो इसके इन दोनों की जगह पर तो हमने ये यूज कर लिया इस यहां से, क्लियर स्टूडेंट, यहां से। अब डीबी की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, डीबी लिखो या बीडी लिखो, हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी का स्क्वायर माइनस टू, बीडी की जगह पर क्या लिखा टू, बीडी की जगह पर क्या लिखेंगे या डीबी की जगह पर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बीसी लिखेंगे, ये क्या लिखे फ्रॉम इक्वेशन वन से लिख देंगे, और एम डी, क्लियर है, ये इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखो ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, और ये क्या बी सी बाई टू का होल स्क्वायर, और ये टू से टू गया तो माइनस बी सी एंड एम डी आ गया, क्लियर है स्टूडेंट, एम डी लिखो या डीएम लिखो, क्लियर। अब देखो यही प्रूव करना था स्टूडेंट, इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लो, ए बी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ में आए, इसको पहले लिख लो, बीसी का स्क्वायर इंटू एम डी लिखो या डीएम लिखो, बात वही होगी, डीएम प्लस बीसी बाई टू का होल स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यही तो हमारा सेकंड था प्रूफ, क्लियर, देखो ए बी का स्क्वायर आ गया, एडी का स्क्वायर आ गया, बीसी का इंटू डीएम आ गया, और बीसी का स्क्वायर बाई टू आ गया, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कैसे किया, देखो पहला और दूसरा प्रूफ करने के कहां से स्टार्ट करेंगे, तो हम देखो यहां से स्टार्ट किए हैं, फिर इसके इस साइड वर्क में कर ले, रफ वर्क में भी ब्रैकेट में भी कर सकते हैं साइड में, ठीक है। अब देखो ये किया, फिर इसके बाद हम यहां से ये कर रहे हैं, ठीक है, पहला तो हमने प्रूफ कर लिया था, पहला हमने प्रूफ कर लिया था स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर हम ये वाला कर लिए, ठीक है, इतनी बात देखो ये हमने कर लिया इसके बाद, तो अब देखो नेक्स्ट वाला भी हमें करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला देखो कैसे करेंगे, तो देखो हाँ ये हो गया पहला, पहला यहां से यहां तक है, ठीक है, देखो पहले का आंसर यहां से यहां तक आप करेंगे, फिर दूसरे का आंसर यहां से लेके यहां तक करेंगे, क्लियर है। अब हमें देखो थर्ड वाला भी प्रूव करना है स्टूडेंट, तब ध्यान दो स्टूडेंट, जैसे पहला और दूसरा तो हमने प्रूव कर लिया, पहला और दूसरा हमने प्रूव कर लिया, तो देखो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं ना, जैसे पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, तो फाइनली हमारे थर्ड वाली इक्वेशन मिल सकती है, आप ऐड करके देखिए स्टूडेंट, देखो ये और देखो हमें क्या है, ध्यान देना, ये देखो पहला क्या है, देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, एसी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, तो देखो ये क्या है पहला, पहले में क्या है लेफ्ट हैंड साइड क्या है एसी का स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड क्या है ए बी का स्क्वायर है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा, तो हमें आई थिंक मिल सकता है, देखो अब ऐड करके देखते हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन, देखो एडिंग इक्वेशन, अब ये देखो दोनों को ऐड करो, वन एंड टू, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इक्वेशन वन और टू को ऐड करो, ठीक है, ये जो दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा, क्लियर है स्टूडेंट, तो क्या होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, क्लियर है, फिर क्या होगा ए डी इंटू ए डी, ए डी का स्क्वायर प्लस, सब पहले लिख लो, बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू का स्क्वायर प्लस, देखो इसको तो हमने लिख लिया, देखो ए सी का स्क्वायर ये लिख दिया, ए बी का स्क्वायर ये लिख दिया, अब ये हमने लिख लिया, अब क्या इसको लिख लो, ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू का स्क्वायर, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या होगा, ए डी ए डी ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, देखो ये होगा कि नहीं होगा कैंसिल, देखो ये क्या होगा, ए डी ए डी ये ट्वाइस हो जाएगा, है कि नहीं, और ये कैंसिल होगा, कौन सा कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ठीक है, जैसे ये देखो बी सी इंटू डी एम, बी सी इंटू डी एम ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है या माइनस है, ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी बाई टू का स्क्वायर, क्लियर है, और ये दोनों तो कैंसिल हो गया, प्लस बी सी इंटू डीएम था और माइनस बी सी इंटू डीएम था। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई फोर आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है, आई बस समझ में, तो ये क्या हो गया, टू हो गया, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर, और ये क्या मिला है, बी सी का स्क्वायर बाई टू मिल गया स्टूडेंट, क्लियर है, ये हो गया प्रूफ आपका, क्लियर है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर
और बीसी का स्क्वायर बाई टू। क्लियर स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो थर्ड वाला हमें पता चल गया कैसे प्रूव करना, तो इन दोनों को ऐड करके हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है। क्लियर है स्टूडेंट, देखो ये हमने किया यहाँ तक किया फर्स्ट का, इसका हमने किया सेकंड का आंसर ये है, और थर्ड का आंसर हमने ये बता दिया स्टूडेंट। क्लियर है, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज को, उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू।